हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में आज से मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ेगी। अस्पतालों में पैथोलॉजी टेस्ट और एक्सरे के लिए अनुबंधित कंपनी क्रसना ने पेमेंट नहीं मिलने के कारण काम बंद कर दिया है। बता दें कि सभी अस्पतालों में दोपहर 12 बजे तक सरकारी लैब में टेस्ट होते हैं, इसके बाद प्राइवेट क्रसना लैब टेस्ट करती है। आज पूरे प्रदेश में इस लैब में टेस्ट नहीं होंगे। क्या बोले क्रसना लैब कर्मचारी रिपन अस्पताल शिमला। माय नेम इज हेमलता अवस्थी। बिकॉज सर एक्चुअली मैं हमारी जो पेमेंट है वो अभी ड्यू है, गवर्नमेंट ने अभी उसको दिया नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द एनी सैंपल्स फ्रॉम द पेशेंट। सर ये काफ़ी हमारा भी काफ़ी पेमेंट बचता है जो अभी गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया है। ऑल हिमाचल का है सर। यस सर, हमारे को पीछे मैनेजमेंट से ऑर्डर आया है कि आज कोई सैंपल भी नहीं दिया जाएगा, और वैसे रिपोर्टें हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। अभी तो आज के लिए तो यही ऑर्डर है सर, कल का व्हाट विल दे विल से। पूरे हिमाचल का सर आज के लिए तो पूरा हिमाचल बंद है यहाँ। कल का अभी डिसाइड नहीं हुआ है मे बी, तो अभी तक जो हमारे मैनेजमेंट के ऑर्डर आए वो आज के लिए आए हैं। क्या कहना है लोगों का सुनिए। अरे कल रिपोर्ट मैं कल दे के गया था अपने बच्चों की, तो फिर वो आज रिपोर्ट उसकी आई हो, लेने आया हूँ, पर मैं सुबह से देख रहा हूँ ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं और लोगों को बहुत परेशानी है बेचारों को। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जहाँ पर सुविधा बस की नहीं है, वहाँ से पैदल चल चल के पता नहीं किस तरीके से उनको पीठ में लगा के भी लोग लाते हैं अपने बीमार आदमियों को, तो फिर यहाँ पर आके फिर उनके टेस्ट नहीं होते, फिर उनको उतना स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर बेड नहीं मिलता, डॉक्टर एडमिट नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जो ये प्रॉब्लम आ रही है। काफ़ी परेशानी आपको। जी जी जी।